नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टनर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक सिंपल रेगुलेटेड 5 वोल्ट पावर सप्लाई बनाएंगे, जिससे आप कोई भी 5 वोल्ट की डिवाइस को चला सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए आपने चाहिए रजिस्टर 5.6 ओम्स, एक चाहिए 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर चाहिए 10 माइक्रोफेरेड, 7805 रेगुलेटर आईसी, IN4007 डायोड, एक ट्रांसफार्मर चाहिए 9 वोल्ट का, और एक कुछ चाहिए फ्लेक्सिबल केबल। तो उसके लिए चार डायोड को हम लोग ब्रिज कनेक्शन करेंगे, एनोड और कैथोड को पिक्चर के हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ट्विस्ट करके उसको फिर शोल्डर कीजिएगा। दोस्तों, ये मेरा YouTube में पहला वीडियो है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। टेक्निकल प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, कोई भी सुझाव हो तो दिल खोलकर कमेंट कीजिएगा, आपका सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऐसे उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर जो उसको बनाएंगे, उसमें प्रॉपरली शोल्डर कर लेते हैं। शोल्डर कंप्लीट होने के बाद उसको काट कर लीजिएगा। तो काट करने के बाद हम लोग उसे एक रजिस्टर 5.6 ओम्स उसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक रेगुलेटर आईसी जो कि 7805 है, इन और आउट एंड ग्राउंड जो पिन है उसको प्रॉपरली उसी हिसाब से कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर एक फिल्टर कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, सोल्डर करना है, जो कि 1000 माइक्रोफैरेड का होगा। जैसे ये कंप्लीट होता है, उसके बाद एक जम्पर लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ में, और रेगुलेटर के ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करना है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगाना है आउटपुट के लिए। आउटपुट में जो कैपेसिटर होगा उसका वैल्यू होगा 10 माइक्रोफेरेड। आप चाहे तो उसमें ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये 10 था तो मैंने 10 यूज़ किया है। नेगेटिव पॉजिटिव हिसाब से लगाइएगा। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लेते हैं जो कि उसका आउटपुट है 9 वोल्ट। उसको ब्रिज कनेक्टर के एनोड और कैथोड जो जंक्शन है दो साइड से, वहां से कनेक्ट करते हैं। दोनों साइड में ऐसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ऐसे ये कनेक्शन अपना कंप्लीट हो गया है। लास्ट बाकी है अपना आउटपुट का जो पिन है रेगुलेटर आईसी का, नेगेटिव और पॉजिटिव इस हिसाब से कनेक्शन कर लेते हैं। अपना सर्किट अभी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग उसका भी उसको टेस्ट करने जाएंगे, उसको एसी पावर सप्लाई देके उसका आउटपुट उसको चेक करेंगे। एसी सप्लाई इसमें ट्रांसफार्मर में दे दिए हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, फिर उसको उसका आउटपुट में चेक करते हैं पावर मीटर लगा के। देखिए दोस्तों, इसमें आउटपुट देखिए 5 वोल्ट आउटपुट अभी निकल रहा है। दोस्तों, ये रेगुलेटेड आईसी 7805 है, तो इसलिए इसका आउटपुट जो पावर है वो 5 वोल्ट का होता है। तो ये आउटपुट आप कोई भी 5 वोल्ट का कोई भी डिवाइस हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, सबको नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।